रिवर। सो आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ ऐसी शख्सियत से जो न्यू आगरा थाने के एसओ हैं, जिनका नाम है राजीव कुमार सिंह। आज आप इनसे मिलते हैं एंड इनके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कैसे सर की इस लाइन में जर्नी स्टार्ट हुई एंड सर को क्या क्या चैलेंजेस आए। सर बताइए, हमारे साथ कुछ शेयर करिए कि आपने यही प्रोफेशन क्यों चूज किया। सर, मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ जी। मूल रूप से मैं बागपत बड़ौद क्षेत्र का रहने वाला हूँ। वहाँ छोटी छोटी समस्याएं देहात में आती थी, तो थाना भी वहाँ से 10 किलोमीटर के लगभग की रेंज में था जी। तो पुलिस जब भी आती थी तो किसी को पकड़ के समझाती थी, वो समझाती थी, तो मुझे लगा कि पुलिस काफ़ी अच्छा काम करती है जी। और बदमाशों को भी पकड़ती है। उस समय मूवी का भी क्रेज था, तो मुझे लगा कि पुलिस प्रोफेशनल अच्छा है, समाज सेवा के लिए एक अच्छा है। ओके। तो मैंने फिर पुलिस की नौकरी ज्वाइन की और मैं 1998 में कॉन्स्टेबल के पद पर भर्ती हुआ। क्योंकि मैं उस समय BSc मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी जी। तो उस सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए जी। तो मैं कॉन्स्टेबल में भर्ती हुआ। फिर मेरी मेरठ पोस्टिंग हुई, वहाँ मैंने मेरठ कॉलेज से BA और MA किया। उसके बाद में सब इंस्पेक्टर की और उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। तो जैसा कि सर आपको अभी तक 25 ईयर्स हो चुके हैं जी, तो सर ये कैसा रहा था? मतलब आपको कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, क्योंकि आपको ये है कि एक ही जगह पोस्टिंग नहीं रहती। पहले आपने जैसा भी बताया मेरठ में भी आप रहे हैं, फिर आप यहाँ आगरा आए, तो फिर सर कैसे मैनेज होता है ये? नहीं, आपका उद्देश्य सही है, तो कोई चैलेंज नहीं है जी। क्योंकि जब हम घर से निकली गई है ऐसे ही 100 किलोमीटर, तो ऐसे ही 300 किलोमीटर जी। और आजकल तो फैसिलिटी ऐसी है, मोबाइल्स है, तो घर की भी कोई समस्या नहीं है, तो फोन पे वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो घर से ऐसी कोई समस्या नहीं है। आवश्यकता होती है तो घर वाले यहाँ आ जाते हैं। और जगह जगह की बात यह है, तो ये एक नियम है, एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि हम मेरठ रहे, ये रहे जो टाइम पीरियड है उसमें हम यहाँ हैं, तो हमको तो माहौल के साथ ढलना है। जहाँ रहे वहीं पर आदेशानुसार उच्च अधिकारियों के शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप काम करना है, उसी के अनुपालन में काम कर दे। हमारा मेन उद्देश्य जो है अपराध पर काम करना है जी। ताकि लोगों के बीच में विश्वास जाए रहे, अपराध कम रहे, तो वही शासन की भी मंशा है, वही हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की मंशा है, उसी के अनुरूप हम काम करें। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि अभी एक केस कभी ना कभी ऐसा लाइफ में हुआ होता है जो हम भूल ही नहीं पाते, जो आपका बहुत टफेस्ट सिचुएशन आपके सामने आई हो, या फिर जिसमें आपने अपराधी को बहुत दिक्कत हुई हो पकड़ने में, सर ऐसा कोई केस रिसेंटली का? माने ऐसे बहुत केस आए हैं, मैं अलीगढ़ में था तो वहाँ भी चोरी के उसके केस आए हैं, लेकिन जो भी केस आए हैं अमूमन हमने सभी पे सफलता हासिल की है। ओके। और अपराधियों को पकड़ के जेल में भेजा है जी। कोई ऐसा चैलेंजिंग तो बहुत रहे हैं, इसलिए तो पुलिस महकमा है, तो हर कदम पे चैलेंज है जी। और हर अपराधी भाग जाता है, लेकिन आजकल हमारे यहाँ मुखबिरी तंत्र और सर्विलांस ये ऐसा तंत्र है कि इससे हमें कहीं ना कहीं उसका पता चल जाता है। और अपराधी कितना भी शातिर हो, अपराध करने से पूर्व कोई ना कोई साक्ष्य सबूत छोड़ जाता है, जिसके आधार पर हम उस तक पहुँच जाते हैं, उसको पकड़ने में सफलता हासिल कर लेते हैं। तो सर जैसे कि अब साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये मान लीजिए कि हर किसी के साथ हो रहा है, एक घर में एक ना एक के साथ फ्रॉड हुआ ही है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? हाँ, आज के समय में ये बात सही है कि साइबर क्राइम एकदम छुपा हुआ अपराध है जी। तरह तरह के फेसबुक से और बैंकों के ग्राहक बन के, बैंक के कर्मचारी बन के, अन्य तरीके से आपसे बात करते हैं और आपके बातों में बहका के आपसे आपकी गोपनीयता पूछ लेते हैं, उसी के आधार पर आपका पैसा हड़प लेते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि इसमें जगह जगह पर हमारे साइबर थाने खुले हैं और हम लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क बनी हुई है, बोर्ड लगे हुए हैं, तो आपको और हर बैंकों में भी सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, तो अननोन कॉल नहीं उठाना है। और लेकिन फिर भी गाइडेंस के बाद भी लोग बाग ये कॉल उठा देते हैं, OTP बता देते हैं, अपनी गोपनीयता बता देते हैं, जिस कारण लोगों के साथ अपराध घटित होता है जी। लेकिन अगर किसी के पैसे कट गए हैं तो सबसे पहले उसका काम है कि जितनी जल्दी हो सके आप वो 1930
साइबर क्राइम नंबर है ये, उस पर 1930 पर कॉल करें तो तत्काल आपका पैसा जहां होगा वो होल्ड हो जाएगा, और होल्ड होने के बाद उसको काफ़ी हद तक हमें रिटर्न करके और जिसका पैसा गया उसके देने में सफलता हासिल करते हैं। लेकिन सबसे पहली प्रक्रिया 1930 का आप कॉल कर लो ताकि आपका पैसा वो आउट ना हो, जिस खाते में होगा वो होल्ड हो जाए। पूरे जैसे आगरा है, आगरा की लोकल सिटीजन्स हैं यहाँ पे या फिर इंडिया के, सर कोई ऐसा आपका मोटिव है अभी तक कि आप चाहते हो कि लोग उस चीज़ को समझें और फॉलो करें सर? हाँ, आज के जो है नई जनरेशन जो है वाहन चलाते हैं, चाहे फोर व्हीलर हो चाहे टू व्हीलर्स हो, तो इस पे यहाँ अमूमन नए लड़कों का क्रेज है कि यहाँ तो खासकर इस क्षेत्र में जो इधर का क्षेत्र है तो तीन तीन बैठ कर चलते हैं। मेरा यही है कि टू व्हीलर है तो दो बैठे, अपना हेलमेट का प्रयोग करें और गाड़ी चलाए तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, इससे हमारी सुरक्षा है, जीवन है तो सब चीज़ है, और हेलमेट का प्रयोग करेंगे काफ़ी हद तक आप सुरक्षित रहेंगे। हमारे शरीर का महत्वपूर्ण सिर होता है, अगर सिर बच गया तो हम बच गए। तो ये है कि यातायात का काम करें और जो साइबर से रिलेटेड है उसमें सतर्क रहे, बिना किसी के गोपनीयता अपने किसी को शेयर न करें, जिससे आप नहीं जानते हैं उसकी वीडियो कॉल ऑडियो कॉल न हो।